Hello everyone, I am Prem corporately from KV Number One, Chinwala. Dear students, today I am here along with the sixth part of an Empire across three continents. Dear students, in this session we will get an information regarding social hierarchies, which will indicate about the social structure of the empire. After that, we will get an information regarding monetary system as well as Roman bureaucracy.

लीडिंग सोशल ग्रुप ऑफ दी अर्ली एम्पायर बच्चों एक इतिहासकार था सोशल इतिहासकार था जिसका नाम टेसिटस था उन्होंने प्रारंभिक समाज प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह का वर्णन कुछ इस प्रकार किया उसने वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको देखते हुए उसने बताया कि वहाँ समाज विभिन्न ग्रुप विभिन्न समूह में बटा हुआ था

दी पीपल दोस्त अटैच टू दी ग्रेट हाउस बच्चों जो थर्ड ग्रुप था वो काफ़ी जनता का सामान्य वर्ग होता था और जिसका संबंध महान घरानों से भी होता था फोर्थ लोअर क्लास को बिलोंग करने वाले और फाइनली स्लेवस ये फाइव ग्रुप्स में ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया था लोअर क्लास जनरली ही टैल्स

अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ दैनिटर्स स्टिल केम फ्राम द इटालियन फैमिलीज बच्चों शुरू शुरू में जो तीसरी शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष में सेनेट के सदस्यों की संख्या लगभग एक हज़ार थी और इसके जो आधे से आधे लगभग आधे जो सेनेटर्स थे वो इटालियन फैमिली यानी इतानवी परिवारों से संबंध अपना रखते थे देर स्टूडेंट्स बाय द लेट एम्पायर Which starts with the reason of Constantine first in the early part of the fourth century. The first two groups, the first two groups mentioned by Tacitus, like senators and the equestrian, already I have uh, told about them. Okay, they had, immer, they had merged into a unified and expanded aristocracy. But jo, <coughs> jo Constantine first. Ke, शासनकाल के आरंभ में जो कि चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में हुआ शुरू होता है टैसिटस बतलाता है कि जो दो प्रमुख समूह थे पहले दो समूह सेनेटर और जिसको हम नाइट्स भी कहते हैं इक्वास्टेरियन को ये दोनों सेनेटर्स और इक्वेस्टेरियन ये दोनों ग्रुप ने मिलकर के एक विस्तृत एक बड़े एक एरिस्टोक्रेटिक वर्ग को उन्होंने फॉर्म किया उन्होंने एक बड़ा विस्तृत अभिजात वर्ग का निर्माण किया और बच्चों इनमें कुल परिवारों में कम से कम जो आधे परिवार थे ठीक है ये जितना भी बड़ा जो अभिजात वर्ग तैयार हो गया था उनमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ द अफ्रीकन और ईस्टर्न रिजन ये या तो अफ्रीका परिवार से थे अथवा ये पूर्वी मूल के थे ठीक है तो इस तरह से कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट के व्रिजन के जो कि फोर्थ सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होता है उसमें इन्होंने अपने एक ग्रुप को सेनेटर्स और इक्वास्टेडियन uh, ग्रुप uh, ने आपस में मिल के इस एक बड़ा एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था और वो कहाँ से आ रहे थे वो आ रहे थे अफ्रीका या पूर्वी मूल के ज़्यादातर लोग अफ्रीकन थे या और बचे हुए लोग ईस्टर्न ओरिजिन uh, के थे तो इस तरह से वहाँ का सोशल हायर एक न्यू फॉर्म में अपने आप को फॉर्म कर रहा था ठीक है दिस लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी वॉज एनॉर्मसली वेल्दी बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन द प्योरली मिलिट्री एलिट्स हु केम ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड बच्चों एक देखने वाली बात ये भी है कि जो लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी थी परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग वो बहुत धनवान था ठीक है और लेकिन एक बात है कि जो मिलिट्री uh, एलिट्स थे प्योरली मिलिट्री एलिट्स जो युद्ध में इन्वॉल्व रहते थे जो जिनके पास सैनिक सत्ता थी उनसे वे लेकिन कम शक्तिशाली थे ठीक है और ये जो लोग थे बेटा प्योरली मिलिट्री एलिट्स वो किसी एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग नहीं थे वो किसी अभिजात वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग नहीं थे लेकिन ये उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेना का बहुत ही बड़ा रोल हमने देखा है हमने सेनेटर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गन की थी तो इसके हिसाब से भी ये बात सच साबित होती है बच्चों मैंने अभी आपको एरिस्टो एर सिनेटर्स और इक्वेस्ट्रियन क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नाउ विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ठीक है एक रिस्पेक्टेबल सेक्शन जो था उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं द मिडिल क्लास ओके द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्टेड ऑफ द कॉन्स्टेबल मास ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इम्पीरियल सर्विस इन द ब्यूरोसी एंड आर्मी बट आल्सो दी मोर प्रोस्पेरस मर्चेंट्स एंड फार्मर्स ऑफ होम दे देर मैनी इन वेस्टर्न प्रोविंसेस बच्चों हम देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग में जो लोग शामिल थे वो वहाँ की ब्यूरोसी यानी नौकरशाही में वहाँ की सेना में आर्मी में उससे जुड़े हुए लोग थे है ना वो आम लोग थे उसमें जो शामिल हुए थे इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो जो प्रोस्पेरस मर्चेंट्स थे समृद्ध सौदागर व्यापारी और फार्मर्स ये भी इस मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे और इनमें से बहुत सारे जो लोग थे ओके देर आर मैनी पीपल हु बिलोंग्स टू बिलोंग टू स्टर्न प्रोविंसेस ये पूर्वी प्रांतों के ज़्यादातर निवासी थे टैसिटस ने इस सम्मानी मध्यम वर्ग को ये रिस्पेक्टेबल जो ग्रुप था उसको एक उसके लिए एक बात कही थी उसने कहा था कि ये जो सम्मानी मध्यम वर्ग का जो महान वर्ग है वो सीनेट के सीनेट ग्रहों पर आश्रित है है ना टेसिस्टस डिस्क्राइब दिस दिस्टेव रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास एज अ क्लाइंट क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सेनेटोरियल हाउस ये कहा कि ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से सेनेटर्स पे डिपेंड करते हैं उनके उनके ग्रहों सेनेट ग्रहों के आश्रितों के रूप में उनका वर्णन किया क्लाइंट्स यानी उन पर आश्रित हो जाना मतलब उनकी सेवा भाव करना उन उनके प्रति अपने स्वामित्व को प्रकट करना स्वामी भाव आ, स्वामी सेवा को प्रकट करना ये बात टेसिटस ने अपने अकाउंट्स के माध्यम से बतलाने की कोशिश की नाउ इट वॉज चीफली गवर्नमेंट सर्विस एंड डिपेंडेंस ऑन दिस स्टेट दैट सस्टेंड मैनी ऑफ दिस फैमिलीज मुख्य रूप से जो सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ठीक है इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी ये मुख्य बात है बेटा कि जो लोग थे वो सरकार की यानी राजा की और सरकार की सेनेटर्स की सेवा करके अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे ठीक तो ये आपने रिस्पेक्टेबल सेक्शन पीपल के बारे में जाना अब हम देखते हैं एक ह्यूमलिस्ट ग्रुप जो है बेटा उसके बारे में जिसको कि हमने क्या नाम दे रखा है जिसको हमने कह रखा है कि लोअर क्लास है ना लोअर क्लास बेटा ये सबसे नीचे आते हैं सेनेटर्स के बाद इक्वेस्टेरियन ग्रुप रिस्पेक्टेबल सेक्शन के बाद जो फोर्थ नंबर में आता है वो है लोअर क्लास ठीक ये इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी और एक बहुत बड़ा विशाल समूह था जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस ह्यूमिलियोरिस यानी निम्नतर निम्नतर वर्ग कहा जाता था बिलो देम वास्ट मास ऑफ द लोअर क्लास नोन कलेक्टिवली एज ह्यूमिलियोरिस यानी कि लोअर क्लास अब ये किन लोगों का ग्रुप होता था इसको समझ लेते हैं बच्चों दे कंप्राइज रूलर रूरल लेबर फोर्स ऑफ विच मैनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द लार्ज स्टेट्स ओके बच्चों इनमें से बहुत सारे जो थे वो ग्रामीण श्रमिक होते थे जो स्थाई रूप से किसी बड़ी जागीर में किसी बड़े लैंड वाले पार्टनर लैंड या लार्ज स्टेट्स में वो एम्प्लॉय होते थे ठीक इसके अलावा वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठान होते थे वहाँ के मजदूर लोगों को कहा जाता था माइग्रेंट माइग्रेंट वर्कर्स हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ओलिव हार्वेस्ट है ना ये बच्चों इसके अलावा जो खेतों में काम करने वाले अनाज और जैतून की फसल की कटाई करने वाले लोग थे ये इसमें शामिल थे इसके अलावा द वर्कर्स हु इन्वॉल्व इन दी बिल्डिंग इंडस्ट्री इसके अलावा जो निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे वे लोग उसमें शामिल थे ठीक सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस जो स्वनियोजित शिल्पकार थे किसी फंडिंग नहीं होती थी जिसके लिए ठीक है हु इट वॉज सैड वज बैटर फील्ड देन वेज लेबर्स इसके बारे में टेसिटस बताता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे सेल्फ एम्प्लॉयड या आर्टिशंस थे बेटा वो वेज स्लेबस के तुलना में बेहतर खाते पीते थे ठीक है और बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले जो श्रमिक थे विशेषकर बड़े शहरों में है ना और वस्तु तो, तो हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिम साम्राज्य में ये पाए जाते थे तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो लोअर क्लास था वो किन किन वर्क में इन्वॉल्व था या किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक लोअर क्लास की कैटेगरी में रखा गया था और इसके अलावा जो आपको फो फिफ्थ पार्ट है स्लेव्स उसके बारे में भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन को गेन कर चुके हैं जो कि आपकी कंट्रोलिंग लेबर्स वाले पार्ट में इसको शामिल किया गया है ठीक है बच्चों अभी मैंने जो आपको सोशल डिवीज़न समझाया था जो सीनेटर्स इक्वेस्टेरियन क्लास रिस्पेक्टेबल सेक्शन लोअर क्लास एंड स्लेव्स के साथ आधार पर इसमें अगर हम सीनेटर्स को फिर से देखते हैं सीनेटर्स को देखते हैं तो ये मोस्ट पावरफुल थे देवर लैंड ऑनर्स ये बेटा उनके पास काफ़ी ज़मीन हुआ करती थी और हमने बताया था कि देवर देर आर वन थाउजेंड सीनेटर्स ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम इटली है ना अबाउट द नाइट्स जिसको कि इक्वेस्टेरियन क्लास के तौर पर भी जाना जाता है है ना सेकेंड मोस्ट पावरफुल ग्रुप दे आल्सो लैंड ऑनर्स ड्यूरिंग द लेट रोमन एम्पायर बोथ सीनेटर्स एंड नाइट्स मर्ज एंड वी केम यूनिफाइड एरिस्टोक्रेसिस तो इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है ये मिडिल क्लास के लोग हैं बेटा ये जो हमने बताया था ये नाइट्स यानी इक्वेस्टेरियन को बिलोंग करने वाले लोग हैं और ये मिडिल क्लास जो रिस्पेक्टेबल भी है और बेटा इसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपको बतलाई जा रही है आपकी बुक से ही रिलेटेड इसमें कंटेंट्स को उसमें शामिल किया गया है और ये ह्यूमलियर्स ग्रुप जो था जिसके बारे में हमने आपको बतलाया कि रूरल लेबर फोर्स आ, दे वर परमानेंटली एम्प्लॉयड इन स्टेट्स लार्ज स्टेट्स है ना एंड दे वर्कर्स इन इंडस्ट्री एंड माइंस दे वर आल्सो द माइग्रेंट वर्कर्स हु द फील्ड हु आर इन्वॉल्व इन the grain and olive harvesting and after that uh, some workers belong to the building industries okay labor for uh, grain and olive harvest casual labors, as well as we have gotten information regarding the self-employed artisans so these are the people who belong to humiluras so beta maine now uh, you have to some information regarding are uh, the slaves slaves in the lowest class of the roman empire okay but i say lowest class the roman empire and one writer of the early fifth century the historian olympio Olympiodorus, who was also an ambassador tells us that the aristocracy based in the city of rome एंड ड्रीव एनुअल इनकम अप टू फोर थाउजेंड एब्स ऑफ गोल्ड बच्चों ये जो ओलम्पियोड्रस्थ जो था वो हमें बताता है कि किस तरह से रोम नगर में जो एरिस्टोक्रेसिस थे कुलीन परिवार थे एरिड ग्रुप थे उनकी संपदायें कैसी थी और उसके अलावा ये हमें बतलाने की कोशिश करता है कि वहाँ पर स्लेव्स को किस तरह से यूज़ किया जाता था ठीक है और ये जो ओलम्पियोडरस था जो एक हिस्टोरियन था वो हमें ये भी बतलाता है कि किस तरह से रोम के नगर में रहने वाले लोगों की कुलीन परिवार स्पेशली आई एम गिविंग एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एरस्टोक्रेसिस ऑफ द रोम दे एनुअली दे ड्रू इनकम्स अबाउट अप टू फोर थाउजेंड पाउंड ठीक है ये जो था बेटा लगभग चार हजार पाउंड सोने के बराबर की उनकी साल भर की इनकम हुआ करती थी और इनमें वह उपज शामिल नहीं थी जिनका उपभोग वो सीधे कर लिया करते थे ओके नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस द कंज्यूम्ड डायरेक्टली तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें टैसिटस के थ्रू मिलती है लेकिन फाइनली हम जो ओलम्पियोडर्स है वो रोम नगर के रहने वाले जो कुलीन लोग थे उनकी संपत्ति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू नो वी हैव टू गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोनेटरी सिस्टम मोनीटरी सिस्टम एग्जिस्टेड ये जो बेटा मौद्रिक प्रणाली थी उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे, देता है इट डेक्लाइं लेटर ये बाद में जो है इसकी डिक्लाइनिंग होने लगी क्यों होने लगी सिल्वर फ्रॉम स्पेनिश माइंस एग्जॉस्टेड एंड सो देर वाज लैक ऑफ सिल्वर कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइंस बच्चों जो अर्ली एम्पायर था लेट एम्पायर जो था लेट एम्पायर में जो मॉनेटरी सिस्टम था उसके बारे में समझते हैं लेट एम्पायर यानी परवर्ती साम्राज्य में प्रथम तीन शताब्दियों से चली आ रही जो चांदी पर आधारित मौद्रिक प्रणाली थी वो समाप्त हो गई थी ठीक है

तो उसने क्या किया कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की ठीक किसने किया था कॉन्स्टेंटाइन ने फाउंडेड द न्यू मॉनिटरी सिस्टम ऑन गोल्ड एंड देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन सर्कुलेशन थ्रू आउट लेट एंटिक्विटी ये बतलाता है कि परवर्ती पूरे समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं पर भारी मात्रा में इन मुद्राओं का जो है भारी मात्रा में प्रचलन रहा था तो <coughs> ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता है नाउ वी हैव सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्सटेंटाइन बच्चों मैंने आपको सॉलिडस के बारे में पढ़ाया था है ना सॉलिडस जो था एक कॉइन था जो कि 4.5 ग्राम का था प्योर गोल्ड एंड ही फाउंडेड अ सेकेंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनीपोल बच्चों ये कॉन्स्टेंटाइन के है, कि उसने मॉनिटरी स्पीयर में क्या काम किया मॉनिटरी स्पेयर में ही इंट्रोड्यूस अ न्यू डिनोमिनेशन है ना एक सॉलिडस नाम का कॉइन था उसको उसने शुरू करवाया जिसकी 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड था एंड ही फाउंडेड अ सेकेंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंट एनीपोल ठीक कॉन्स्टेंट एनीपोल नाम का उनका सेकेंड कैपिटल जो उसको फॉर्म करवाया ही डिसाइडेड टू मेक क्रिस्टिनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द एम्पायर और यही वो शख्स था जिसने इस एम्पायर की जो धार्मिक प्रणाली थी या राज्य धर्म था वो क्रिश्चनिटी होगा ऐसा उसने डिसाइड किया था ये कॉन्स्टेंटाइन का इमेज आपके सामने है ये कॉन्स्टेंटाइन है जिसने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स लिए थे ये सॉलिडस जो कॉइन था जिसको कि उनके द्वारा चालू करवाया गया था जो प्रचलन में लाया गया था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा सोने पर आधारित गोल्ड पर आधारित जो मॉनेटरी सिस्टम था उसको इन्होंने सर्कुलेट करवाया था ठीक है नॉट डियर स्टूडेंट्स विल गेट अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रोमन ब्यूरोक्रेसी इसको समझना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस सेशन uh, का डियर स्टूडेंट्स द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी ओके बोथ द हायर एंड मिडिल एशलॉन्स वॉज कंपेरेटिवली एफलेंट ग्रुप बिकॉज इट ड्रीव द बल्क ऑफ इट्स सैलरी इन गोल्ड बच्चों जो रोम साम्राज्य के परवर्ती काल हम लेट रोमन की बात बारे में ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जब से है ना वहाँ की जो नौकरशाही जो उच्च पद और मध्यम वर्ग ये बहुत धनी हुआ करते थे क्योंकि वे अपना सारा का सारा जो वेतन है बेटा जो सैलरी थी वो गोल्ड के फॉर्म में लेते थे सोने के रूप में लेते थे है ना एंड दे इन्वेस्टेड देअर सैलरी इन मच ऑफ दिज इन बाइंग अप अ सेट लाइक लैंड और वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो जमीन या परिसम्पत्तियाँ खरीदने में लगा देते थे ठीक एंड देर वॉज देर वॉज ऑफकोर्स ऑल्सो ग्रेट डील ऑफ करप्शन बच्चों उस समय साम्राज्य में, साम्राज में भ्रष्टाचार चरम पर था बहुत फैला हुआ था और विशेष रूप से स्पेशली इन द इन द जूडिशियल सिस्टम एंड इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाइज़, बच्चों वहाँ का जो न्याय प्रणाली थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लायज सैन्य आपूर्ति के प्रशासन इनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था द एग्जॉशन ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड द ग्रीड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर प्रोअरबीएल बच्चों उच्च अधिकारी और जो गवर्नर थे वो लूट खसोट और लालच के लिए बड़े कुख्यात हो गए थे प्रोअरबीएल है ना बहुत कुख्यात हो गए थे बट द गवर्नमेंट इंटरवेंट रिपीटेडली टू कर्व दिस फॉर्म ऑफ करप्शन हालांकि सरकार ने बहुत सारे इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई बार ने इंटरवेंट किया हस्तक्षेप भी किया और इस संबंध से में पता भी इस संबंध में हमें पता इसलिए चलता है क्योंकि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए ठीक और साथ ही जो इतिहास भी थे बेटा और जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की थी इसी वजह से सरकार भी जो है वो खुल करके उसके विरोध में आ गई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कार्यवाही भी कर रही थी ठीक एंड दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसाइज इज़ अ रिमार्केबल फीचर ऑफ़ द क्लासिकल वर्ल्ड बच्चों आलोचना करना मतलब इतिहासविद और बुद्धिजीवी लोग जब उसकी आलोचना कर रहे थे ये जो तत्व है अभिजात और शैण्य जगत के एक उल्लेखनीय विशेषता थी भाई आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक ऐसे समय में जहाँ रोम में एक अथॉरिटेरियन ठीक है एक तानाशाही वाली सरकार ये तानाशाही जो है वो थी तो अगर आप उस समय जब तानाशाही चल रही हो और आप उसकी निंदा कर रहे हो तो ये एक उसका क्रिटिसाइज में जो होगा एक, एक रिमार्केबल फीचर हो जाएगा एक बड़ी भारी विशेषता हो जाएगी क्योंकि आप जब तानाशाही या अथॉरिटेरियन जो रोमन स्टेट का एक के बारे में जो बात कही जाती है उसमें अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी और वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था इसलिए क्रिटिसाइज एक स्पेशल फीचर है अगर आपने सरकार के निर्णय के साथ ठीक है आप उनके निर्णय के साथ में नहीं है आप उनका विरोध करते हैं आप उनकी आलोचना करते हैं तो ये रोमन जो राज्य था जो कि तानाशाही पर आधारित था वो आपकी इन बातों को कभी कभार ही सुन सकता था लेकिन क्रिटिसाइज जो था वो बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी बात उस समय मानी जाती थी ठीक है एंड इन अदर वर्ड डिसेंट वाज डिसेंट वही मैं जो असहमति की बात कर रहा हूँ वाज रेयरली टॉलरेटेड एंड गवर्नमेंट यूजअली रिस्पॉन्डेड टू प्रोटेस्ट विद वायलेंस बच्चों अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सरकार इस विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्यवाही से देती थी ठीक आपके ऊपर हिंसात्मक कार्यवाही करती थी आपको हो सकता है कि मार भी दिया जाए हो सकता है कि आपको इस विरोध के लिए आपको सजा मिल जाए तो ये इस समय की खास बातों में से एक था एट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन रोमन लॉ हैड इमर्ज बाय द फोर्थ सेंचुरी बच्चों चौथी शताब्दी के आते आते जो रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था एंड दिस एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन इवन द मोस्ट फियर्जम वेम्पर बच्चों ये सर्वाधिक भयंकर सम्राट जो हुआ करते थे उन पर अंकुश लगाने का इस कानून व्यवस्था ने बड़ा ही शानदार काम किया सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे जब ये कानून लागू कर दिया गया उसके बाद से फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कानून का सक्रिय रूप से फिर प्रयोग किया जाने लगा ठीक है लॉ वॉज़ एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स ओके एंड दैट्स वाय इन द लेटर फोर्थ सेंचुरी इट वॉज़ पॉसिबल फॉर पावरफुल बिशप्स किस चीज़ के लिए वो सपोर्ट कर रहा था देखिए चौथी शताब्दी के जो अंतिम दशकों में जो शक्तिशाली विषअप थे और स्पेशली लाइक एम्ब्रोस एम्ब्रोस जैसे जो शक्तिशाली विशप थे उनके लिए संभव हो पाया था बेटा कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करेगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यू लॉज थे वो उन न्यू लॉज ने उन लॉज ने बिशप्स को कितना पावरफुल बनाया एक्चुअली जो राजा हुआ करते थे वो अथॉरिटेरियन जो मैंने आपको बताया तानाशाही प्रवृत्ति के थे वो क्रिटिसाइज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे अगर वो क्रिटिसाइज्म किया जाता था तो उनकी उनको जो विरोध है उसको उसको वायलेंस के थ्रू ही उसको रिस्पॉन्ड करते थे हिंसात्मक कार्यवाही के प्रति के साथ लेकिन धीरे धीरे फोर्थ सेंचुरी के लास्ट डिकेट में कुछ ऐसे लॉ ऐसे कानून बनाए गए जो लोगों की नागरिकों की अधिकारों की रक्षा भी करने लगा था और साथ ही वो उन मनमानी करने वाले राजाओं पर भी कई पाबंदियां या उनको अंकुश लगा करके रखता था तो बच्चों इस तरह से आज हमने सोशल हायरकी में सेनेटर्स इकस्टेरियन क्लास रिस्पेक्टेबल सेक्शन लोअर क्लास और स्लेव्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन किया हमने टैसिटस के द्वारा बताए गए सामाजिक श्रेणियाँ थी उसको समझा मॉनेटरी सिस्टम में आपने देखा कि किस तरह से स्पेन से चांदी का मिलना है ना स्पेन से सिल्वर माइंस की सिल्वर माइंस जो एग्जॉस्ट हो गई थी उसके बाद कॉन्स्टेंट टाइल ने ही फाउंडेड द न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑन गोल्ड उसने सोने पर आधारित नई मौद्र, मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की हमने देखा कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत ज़्यादा था और स्पेशली इन द जुडिशियल सिस्टम एज़ वेल एज़ इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री सप्लाइज तो हमने इन सारी इन्फॉर्मेशन को आज गेन किया बच्चों आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ मुझसे इस संबंध में कांटेक्ट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच